खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां पटना तहसील में स्थित पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय महाविद्यालय के कलेक्टर चंदन त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार की उपस्थिति में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां 200 छात्र छात्राओं को साइबर के जरिए होने वाले अपराधों की जानकारी दी गई। इस संबंध में कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि यह कार्यशाला थोड़ी देर से शुरू हुई है, लेकिन इस तरह की कार्यशालाएं जारी रहेंगी। फिलहाल 200 बच्चों को जानकारी दी गई है और उनके जरिए 2000 बच्चों तक ये जानकारी पहुंचेगी। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कहा कि साइबर के जरिए होने वाले अपराधों के प्रति अगर लोग जागरूक रहेंगे तो इससे पुलिस को इस अपराध को रोकने में काफी मदद मिलेगी। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। की कार्यशाला विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित कर रहे हैं, एसपी साहब के नेतृत्व में हो रहा है और इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे चूंकि साइबर फ्रॉड जो है वो समाज में बढ़ते जा रहे हैं और रोज रोज नए नए क्राइम्स हमारे सामने आ रहे हैं। जैसा आप सभी को विदित है कि बच्चों के हाथ में आज मोबाइल है, युवा वर्ग के हाथ में मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से हम सिर्फ बच्चों को ये बताना चाहते हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कि वो सजग हो जाएं, किस किस तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं उसके बारे में अपडेशन भी उनका होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेटर लेट देन नेवर। भले हमने धीरे से शुरुआत की है, लेकिन इन 200 बच्चों के जरिए हम 2000 लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और लोगों को ये पता हो कि इस तरह के फ्रॉड्स हैं और कोई भी अननोन नंबर या अननोन कॉल आए तो किस तरह से रिएक्ट करना है, पुलिस को सूचना देनी है और किस तरीके से हम अपना जग रख सकते हैं और समाज में अपने आप को जितना आप अपडेट रखेंगे उतना ही सक्सेसफुल हो सकेंगे, इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यशाला आयोजित की गई। साइबर जागरूकता के पीछे संदेश बहुत साफ सुथरा है। पुलिस के पास काम बहुत सारे हैं और प्राथमिकता के क्रम में है। देश के भावी नागरिक हैं बच्चे, देश को दिशा प्रदान कर, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सबको जागरूक करने के पीछे एक स्वार्थ भी है कि इस तरह के क्राइम कम से कम हो। आपको पता ही है जिस तरह मोबाइल्स का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मोबाइल्स चीप होते जा रहे हैं, तो सभी लोगों के हाथ में है, तो ये भावी जिम्मेदार नागरिक बने इसके पीछे मुख्य यही है और हमारा भी वर्कलोड इसी बहाने थोड़ा सा कम हो जाए, तो इसके पीछे एक मुख्य ध्येय ये भी।